05 05 की स्पीड चल रही है। इसने तो थका दिया यार। पत्थर है ना वो थोड़ा स्लिपरी हो गया है। ओ माय गॉड। ये उधर से जा रहा है और वहाँ पे वो जो पानी आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, अभी हम वहाँ चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइस, इस व्लॉग में आप देखने वाले हो गल्लू वाटरफॉल। अभी मैं गल्लू वाटरफॉल के लिए निकल रहा हूँ। 1:20 हो रहा है और यहाँ से निकलने के अभी मैं जा रहा हूँ, पहले लंच करूँगा, फिर लंच के बाद मैं उस वाटरफॉल के लिए जाऊँगा। और अभी जस्ट मैं अपने कैंप साइट पे हूँ। कैंप साइट आप देख सकते हो, ये कैफ़े है और ये ठीक मेरे पीछे वो कैंप साइट। इन दो प्राणियों को आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले भी व्लॉग में। ये भाई साहब, ये आप मेरे लास्ट व्लॉग में आप जाके देख लेना। और ये मैडम जी, इनका भी मेरे शोतन फेस्टिवल वाले व्लॉग में जाके देख लेना। ये भी एक व्लॉगर हैं। A few moments later. गाइस ये देख लो आप, ये रही कुछ रोड की कंडीशन। स्कूटी लेकर के मैं जा रहा हूँ गल्लू वाटरफॉल के लिए और लिटरली भाई रोड तो कुछ ज़्यादा ही बेकार है। उबड़ खाबड़ पत्थर निकले हुए, बिल्कुल अजीब सी रोड है। और मैंने राजमा चावल खाया है ना, तो और खाना खाने के बाद यार ऐसी रोड मिलना थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। देख लो, अगर आपको वो दिख रहा होगा मेरा स्पीडोमीटर, तो स्पीड देखो क्या चल रही है। 05 05 की स्पीड चल रही है। और यहाँ पे आने के लिए डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ, धर्मकोट के लिए आप टैक्सी करोगे ना, तो वो तो टैक्सी वाले को आप बताओगे तो वो तो डायरेक्टली पहुँचा देगा। बट अगर आपकी खुद का व्हीकल है और मेरे जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो सोलो ट्रैवल, तो आपको SN गोइंका या फिर तुषिता जो मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पे आप आना। और तुषिता मेडिटेशन सेंटर के राइट साइड में ही, जब आप नीचे से आओगे मैक्लॉडगंज से, तो आपके राइट साइड से ही एक गली जा रही है, बस उसी गली को ले लेना है और ऊपर की तरफ चलते जाना है। फिर आपको ये ऐसा बेकार सा रास्ता मिलेगा जो कि खाना खाए हुए बंदे को वोमिट करा के ही मानेगा। भागे भाई देख लो रोड कैसी है, स्पीडोमीटर आपको दिखाई दिया, बिल्कुल अजीब सही है भाई। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है मेरे किडनी में पेन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है नीचे की तरफ, लोअर एब्डोमेन के साइड में अजीब सही पेन सा हो रहा है। तो पीछे एक अंकल से पूछा था, उन्होंने बोला कि बिल्कुल चलते जाना, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, और जहाँ भी अगर दो डाइवर्जन आएंगे तो हमेशा आपको राइट वाला ही डाइवर्जन लेना है। और लास्ट पॉइंट पे जब आप पहुँचोगे जहाँ के आगे गाड़ी नहीं जा सकती, उस पॉइंट तक पहुँचने के बाद आप फिर हाइक करके जाना होगा, और 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास का वो हाइक है। दोनों तरफ डेंस जंगल है और बीच में मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ। गलती से भी कोई एनिमल आके सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो एक नेक्स्ट लेवल का ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट भैया हमें नहीं देखना कोई एनिमल, प्लीज़ किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, जहाँ भी हो, बस अपने अपने घरों में बैठे रहो। जब मैं अपना घूम फिर के निकल जाऊँगा, उसके बाद आप घूमो टहलो, जो करना है वो करो। बाप रे, ये तो भाई स्कूटी की टेस्टिंग हो रही है बहुत सही तरीके से। अरे बाप रे,
इसने तो थका दिया यार। A few moments later. प्रियरी भाई अपनी स्कूटी लगा दिए और यहाँ से अब हमें हाइक करके जाना होगा, तो बस चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे होम स्टेज वगैरह, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आके स्टे भी करना है तो वो भी कर सकते हो। गल्लू वाटरफॉल का यही रास्ता है ना? ठीक है, थैंक यू। ट्रैकिंग पोल मैंने नहीं लिया है, बट आपको अगर ट्रैकिंग पोल लेना है तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं कई सारे ट्रैक कर चुका हूँ तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है। ट्रैकिंग पोल मैं तब लेता अगर कोई ट्रेल बहुत ही स्टीप होती या फिर थोड़ा ना काफ़ी टफ होता, तो ये ठीक ठीक है, नॉर्मल है, हाइक करना है तो इसके लिए ट्रैकिंग पोल लेने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये शूज़, ये देखो आप, ये ग्रिप वाले शूज़ ज़रूरी हैं, डिकैथलॉन से लिया है 2500 का। तो ये आप एक नॉर्मल शूज़ ले सकते हो, वाटरप्रूफ है। इज दिस द राइट वे टू गल्लू वाटरफॉल? या थैंक यू। चलो भाई बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अबे ऊपर से या नीचे से? पीछे एक भैया से पूछ लेता हूँ। भैया ये गल्लू वाटरफॉल का ट्रेल ऊपर से या नीचे वाला है? ऊपर वाला ना? ठीक है, थैंक यू। अरे हाय भाई, ये देखो इतने बड़े बड़े चट्टान। रॉक क्लाइंब करूँ क्या? हाँ यार, थोड़ा ऐसा किया जा सकता है रॉक क्लाइंबिंग। पहुँच गए, बस अंकल कह रहे हैं एक घंटा लगेगा, उनको नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे हैं। अरे भैया प्रोफेशनल ट्रैकर से बात कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल हाइकर से बात कर रहे हैं, हमारी स्पीड नहीं पता अंकल को, कहते हैं एक घंटा लगेगा। वाटरफॉल की आवाज आ रही है, बस हम पहुंचने ही वाले। A few moments later. तो भाई फाइनली हम आ गए, और जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा वाटरफॉल। बस अभी नीचे ही चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बट यार अभी क्या हुआ है ना, बारिश हो गई है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा जो पत्थर है ना वो थोड़ा स्लिपरी हो गया है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी है भाई, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही है। शिट मैन, मुझे बैठ के उतरना पड़ रहा है लिटरली।
बारिश की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो गाइस ये है वाटरफॉल, गल्लू वाटरफॉल। ये उधर से जा रहा है और वहाँ पे वो जो पानी आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, अभी हम वहाँ चलते हैं। यहाँ से नीचे तो भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग को आवाज़ आ रही है नहीं, बट अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ग्रीन वाटर है लिटरली। अब क्योंकि नीचे थोड़ा गहरा है और पानी बिल्कुल साफ़ है, मतलब इस पानी को आप पी सकते हो, इतना ज़्यादा साफ़ है। यहाँ का जो नियरेस्ट विलेज है इसका पानी वहाँ पे जाता है ऊपर, आपने देखा होगा कई शॉट में पाइप लगी हुई थी, तो वाटर की सप्लाई के लिए वो पाइप लगा हुआ था। बट लिटरली गाइस यहाँ पे बहुत ही ऑसम व्यू है और मैं जिस पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ उसके ठीक सामने बैठा हूँ, उसके लिए आपको उधर से आना होगा साइड से। एक पत्थर है, ये मेरा वाटरप्रूफ शूज़ है, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा गीला हो गया बट पानी अंदर नहीं गया है, बट बिल्कुल सही है भाई, वर्थ इट है। बस धूप निकली होती ना तो लाइट और अच्छी होती और ये जो पानी का कलर है ना आपको और ज़्यादा ग्रीन लग रहा होता। मैंने कुछ शॉट लिए हैं, आपने देखा ही होगा, जब थोड़ी धूप थी तो उस टाइम पे पानी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन था, बट अभी उतना नहीं लग रहा है। बट हाँ यहाँ पे वर्थ इट है, यहाँ पे आओ, टाइम स्पेंड करो। और पीछे आप देखो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, मैं अकेले हूँ भाई, क्राउड ही नहीं है यहाँ पे। और भक्सुनाग आप जाओगे ना तो इतना सड़ा क्राउड आपको मिलेगा कि दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो बस यही है भाई, ये था एक मेरा छोटा सा व्लॉग गल्लू वाटरफॉल का। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना प्यार बनाए रखना गाइस। कोई सजेशन हो या फिर कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो तो कमेंट करो, जो अच्छा लगेगा वो पढ़ने में। तो या गाइस फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक नए व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।